और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और संभवतः संत रविदास के ही मंदिर में ये भी पहुंचे हुए हैं। और वाराणसी, इस वक्त की बड़ी तस्वीर ये वाराणसी से, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, वहां पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि हम पहले भी आपको ये बता रहे थे, इस वाक्य का जिक्र कर रहे थे कि तारीखों में तब्दीलियां की गई। पंजाब में चुनाव पहले 14 तारीख को, लेकिन 16 को संत रविदास की जयंती होने के वजह से निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया और 20 तारीख तक ये डेट बढ़ा दी गई। और इसी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली उस मंदिर प्रांगण में फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, और यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के वो श्रद्धालु, वो अनुयायी जो आज भी दशकों बाद भी संत रविदास को अपने जीवन में उसी तरीके से लेकर, उनके आचरण को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। तो वाराणसी से तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के ही गोवर्धन में संत रविदास का जन्म हुआ था और उनकी जो शिक्षा और दीक्षा, जिस तरीके से समानता को लेकर लोगों के बीच में समान भाव हो, उनका ये कहना था कि कोई भी जन्म से ही ऊंचा और नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से वो अपनी जाति तय करता है। ये दो तस्वीरें शिवानी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, हम अपने दर्शकों को ब्रीफ कर दें। ये पहली तस्वीर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो संत रविदास के मंदिर प्रांगण में फिलहाल पहुंचे हुए हैं, ये वाराणसी की तस्वीर है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो दिल्ली की है। अब से चंद मिनट पहले पीएम मोदी पहुंचे हुए थे करोल बाग के एक मंदिर में, संत रविदास के मंदिर में, और वहां वो पहुंचकर श्रद्धालुओं से मिलते हुए नजर आए, संत रविदास की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आज की ये दो सबसे बड़ी और अहम तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां दो जगहों पे संत रविदास को लेकर लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि जो उनका आचरण रहा है, जिस तरीके से समाज में फैली हुई कुरीतियों को, छुआछूत को, जात पात को जैसे बढ़ावा उस दौर में मिला था, उस पर हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की और उस तरीके से समाज से वो टकराए भी, और छुआछूत को लेकर उन्होंने आवाज़ अपनी बुलंद की। और यही वजह है कि पंजाब से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे अनुयायी वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन ये तीन प्रदेश ऐसे हैं जहाँ से लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और वो पहुँचते हैं कहाँ, वाराणसी में, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ की इस वक्त मौजूदगी है। और काशी कॉरिडोर बनाने के साथ साथ संत रविदास के मंदिर प्रांगण को लेकर भी उस तरीके से तैयारियां हुई, वहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कतें ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार की तरफ से भी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं और वहां मंदिर के भीतर वो पूजन अर्चन कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले दिल्ली में करोल बाग में रविदास मंदिर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर परिसर के भीतर हैं और वहां पर पूजन अर्चन उनकी ओर से किया जा रहा है। आज पूरा देश संत रविदास जी की जयंती मना रहा है, उनको नमन कर रहा है, पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। जिस तरीके से समाज में फैली हुई कुरीतियों को उन्होंने हटाया था, भक्ति काल के संत उनको कहा जाता है, शंकराचार्य और साथ साथ रामानुजाचार्य और रविदास भी उसी काल के संत रहे हैं, और संत रविदास की आज जयंती है। जिस तरीके से भेदभाव को, जात पात को, ऊंच नीच को उन्होंने, और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, हम तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की दर्शकों को दिखा रहे हैं, और अब से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे और सीएम योगी भी, लेकिन इस वक्त बनारस में क्या माहौल है, काशी में क्या माहौल है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए होंगे संत रविदास को लेकर। यहाँ बिल्कुल संत रविदास का इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से महज 1.25 घंटे पहले वो लखनऊ से निकले थे और सीधे बनारस वो जाकर संत रविदास का पूजा अर्चना करने के लिए वहां पहुंचे थे। और जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें देखी थी, प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे थे, भक्तिभाव कर रहे थे, और ठीक ऐसा ही आलम इस वक्त पूरे काशी में है। देखिए, काशी जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जाना जाती है। जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, उसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी, ठीक उसी तरीके से आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास के यहाँ पहुंचे हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना जो है वो लगातार सुबह से ही चल रही है। जी, और तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वाराणसी की, इस वक्त जो आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं संत रविदास के मंदिर के भीतर, उन्होंने पूजन अर्चन किया, भजन कीर्तन किया,
और साथ साथ कुछ देर पहले हमने तस्वीरें जो दिखाई थी वो दिल्ली के करोल बाग की तस्वीर थी, रविदास मंदिर के भीतर की तस्वीरें थी, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, महिलाओं के साथ भी उन्होंने वहां पर भजन पूजन अर्चन किया। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए वाराणसी, क्योंकि वाराणसी ऐसा स्थान है जहां पर जन्म हुआ था संत रविदास का, गोवर्धन वो क्षेत्र है जहां पर उनका जन्म हुआ था, और वहां पर अपार भक्ति और शक्ति है संत रविदास की, इसलिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं और संत रविदास का वहां पर मंदिर भी है। तो आज रविदास जयंती के मौके पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो वहां पर आज पहुंच रहे हैं। उनमें से एक भक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं जो आज वहां पर पहुंचे हुए हैं, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 1377 ईस्वी के आसपास जन्म हुआ था संत रविदास का, और तब से लेकर उन्होंने समाज के भीतर बैठी हुई कई कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की, भेदभाव को, जात पात को, ऊंच नीच को, छुआछूत को उन्होंने समाप्त करने की, जड़ से समाप्त करने की कोशिश की, और कहा था कि कोई भी काम कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, और बहुत प्रभाव रहा है संत रविदास का, और यही वजह है कि आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। अमित जी, हाँ बिल्कुल, वाराणसी के मंदिर में इस वक्त संत रविदास के मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले हमने करोल बाग से तस्वीरें देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो किस तरीके से पूजन अर्चन कर रहे थे। और देखिए, वाराणसी का एक श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी माना जाता है, संत रविदास का जन्म स्थल है वाराणसी, और वहां पर श्रद्धालु जो है, आज जयंती है संत रविदास का, तो ऐसे मौके पर श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा तादाद में जो है नारस और उसके आसपास के जो जिलों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ठीक संत रविदास का पूजन अर्चन करने के लिए अब से महज सवा घंटे डेढ़ घंटे पहले लखनऊ से रवाना हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरीके से पूजन अर्चन कर रहे हैं। देखिए, अब तीर्थ स्थल के तौर पर वाराणसी जाना जाता है, काफी कॉरिडोर है वहां भगवान शिव शंकर के लिए जाना जाता है, श्रद्धालु रोजाना देश के अलग अलग इलाकों से पहुंचते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। तो वही संत जितने भी लोग महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वो पहुंचते हैं वो संत रविदास के भी दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए जरूर जाते हैं, और यही वजह है कि पूरे देश के लोग वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि संत रविदास का जन्म स्थल है वाराणसी, गोवर्धन में वहां पर वो उनका जन्म स्थल है। तो लिहाजा मंदिर के बाहर भारी तादाद में इस वक्त श्रद्धालु है, और जो देखिए एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत इस वक्त मुख्यमंत्री वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, इस वजह से काफी ज्यादा तादाद में मंदिर के बाहर इस वक्त श्रद्धालु मौजूद है, और जैसे मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे उसके बाद जो है श्रद्धालु जो है फिर से एक बार फिर भारी तादाद में संत रविदास के दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो जाहिर तौर पर देश के कोने कोने से लोग बनारस आते हैं, तीर्थ स्थल है, काशी कॉरिडोर का निर्माण हमने देखा भव्य तरीके से किस तरीके से किया गया था। चलिए मैं आती हूँ आपके पास, और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें रविदास मंदिर की, लेकिन अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर है जहां रविदास मंदिर में दिल्ली के करोल बाग में पीएम मोदी पहुंचे हुए थे अब से कुछ ही देर पहले, और दूसरी तस्वीर हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां रविदास मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, और यहाँ पे श्रद्धालु भी पहुंचे हुए। तो आज संत रविदास को लेकर दोनों के मन में जो भावनाएं हैं, और जिस तरीके से वो आम लोगों से, श्रद्धालुओं से मुखातिब हो रहे हैं, जिस तरीके से मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, ये आपको संत रविदास के मंदिर करोल बाग में देखने को मिला, जहां देश के प्रधानमंत्री पहुंचे और उन महिलाओं के, उन श्रद्धालुओं के बीच में पहुंच गए जो भजन कीर्तन कर रही थी, जो संत रविदास को मन में ध्यान रखते हुए उनके तमाम आचरण को याद करते हुए, और कैसे उन्होंने कर्म की श्रेष्ठता बताई थी। जन्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म से श्रेष्ठ आपको होना पड़ेगा, और छुआछूत, जात पात, ये सब के भेदभाव को मिटाने वाले संत रविदास अगर आज भी प्रासंगिक हैं तो उसके पीछे बड़ी भूमिका उनके कर्मों की रही है, और यही वजह है कि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, दोनों संत रविदास के मंदिर में अलग अलग जगहों पर नजर आए आज।